Going to discuss about development and designing of curriculum. Today's आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अर्थशास्त्र का पाठ्यक्रम और उसकी रूपरेखा, यानी कि किस तरह से हम पाठ्यक्रम को फ्रेम करते हैं और उसकी रूपरेखा क्या क्या बनाते हैं. तो इसके लिए एग्जामिनर जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हिंदी में पूछ सकता है, पाठ्यक्रम किसे कहते हैं, इसकी शैक्षिक प्रक्रिया में इसका क्या महत्व है और पाठ्यक्रम का निर्माण करने के लिए कौन कौन से मुख्य सिद्धांत होते हैं, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय टर्म्स करिकुलम, what is its importance in education process and what are the main principles of curriculum construction. कौन कौन से हम जो मेन जो है पार्ट्स रखते हैं जब हम करिकुलम को फ्रेम करते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल करिकुलम हम सब लोग जानते ही हैं. हम लोग ने लास्ट पेपर में डिस्कस पूरी का पूरी वन जो यूनिट है वो हम लोग डिस्कस ऑलरेडी इसके बारे में कर चुके हैं कि करिकुलम होता क्या है. बट ब्रीफली आई विल टेल यू, करिकुलम जो है वो क्या है, क्यूरर वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है दौड़. पाठ्यक्रम का अर्थ क्या लेते हैं हम लोग, करिकुलम एज अ कोर्स ऑफ रन फॉर रीचिंग द सर्टेन गोल और डेस्टिनेशन, यानी कि किसी निश्चित लक्ष्य और उद्देश्य तक पहुंचने के लिए एक दौड़ का मार्ग है. ठीक है, तो पाठ्यक्रम की जो पुरानी अवधारणा थी उसके अनुसार क्या था, कोर्स ऑफ स्टडी, जो भी हमारे पास कोर्स जो भी हमारे पास अवेलेबल है, कोर्स जो हमें गिवन है उसको स्टडी करना, उसको रीड करना क्या कहलाता है, पाठ्यक्रम कहलाता है. और कनिंगम जो है उन्होंने इसके मॉडर्न कंसेप्ट के बारे में इसकी परिभाषा क्या दी है, करिकुलम क्या है, इज़ अ टूल इन द हैंड ऑफ द आर्टिस्ट. आर्टिस्ट कौन है, टीचर है. टूल्स देखिए कनिंगम की परिभाषा, उसके अंदर किसकी बात होती है, टूल्स की बात होती है. ठीक है, टूल्स की जब बात कर रहे हैं तो क्या बात कर रहे हैं, टूल्स क्या होता है, TOOLS, टूल्स. ठीक है, उसके बाद बात होती है आर्टिस्ट की. आर्टिस्ट कौन है हमारा, टीचर. टीचर कौन है, आर्टिस्ट. ठीक है, जब हम बात करते हैं टूल क्या कहते हैं, टूल्स जो हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, आर्टिस्ट होगा टीचर टू मोल्ड हिज मटीरियल्स. मटीरियल्स का क्या मतलब हुआ, मटीरियल्स का मतलब हुआ प्यूपल्स. प्यूपल्स कौन होते हैं, स्टूडेंट्स को हम क्या बोलते हैं, प्यूपल्स बोलते हैं. यानी कि जो आर्टिस्ट है वो टीचर्स है वो क्या करता है, टूल्स के माध्यम से क्या करता है, जो उसके हाथ में है, यानी कि पाठ्यक्रम जो उसके हाथ में है इसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, अकॉर्डिंग टू हिज आइडियाज़. ठीक है, एम एंड ऑब्जेक्टिव इन द स्टूडियो. स्टूडियो क्या हुआ, आइडिया क्या हुआ उसका, जो उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं. अब टीचर के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, सिलेबस कंप्लीट कराना, बच्चों को जो भी करिकुलम दिया गया है वो बताना, प्लस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, किस एम्स के लिए हम वो सब पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उस एम को फुलफिल करना. ठीक है, तो ये सब क्या होता है कि कनिंगम के अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव इन द स्टूडियो, यानी स्टूडियो क्या हुआ, स्टूडियो क्या हुआ हमारा, स्टूडियो हमारा हो गया स्कूल. ठीक है, स्टूडियो हो गया हमारा स्कूल. स्कूल में क्या करेगा टीचर, क्या करेगा स्कूल में, अपना कम्युनिकेशन के थ्रू क्या है, कम्युनिकेशन के थ्रू जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल कराने में मदद करता है. तो कनिंगम के हिंदी में परिभाषा अगर हम बात करें तो पाठ्यक्रम कलाकार यानी अध्यापक के हाथ में वह साधन है जिससे वह अपने स्टूडियो यानी स्कूल के अंदर, स्कूल में अपनी सामग्री यानी छात्रों को अपने आदर्शों और लक्ष्यों के अनुसार ढालता है. तो बड़ी फेमस डेफिनेशन है, इसको जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो ये हो गया कि पाठ्यक्रम क्या है, कुछ ज्ञान और कुशलता का संग्रह हो कह सकते हैं हम लोग. ठीक है, बालक की आयु, आवश्यकताओं, उसकी रुचियों, उसके एटीट्यूड्स, इन सबको ध्यान में रखते हुए, उसकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए. ठीक है, अब तो ये हो गया हमारे मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ करिकुलम की क्या है, टीचर के पास एक हथियार है जिसके थ्रू वो क्या करता है, अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है. और माध्यमिक शिक्षा आयोग क्या बोलते हैं इसके बारे में, विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम है. देखिए क्या है, विद्यालय के अंदर जितना भी टाइम बच्चे रहते हैं उनका संपूर्ण जीवन जो भी वो वहाँ से सीखते हैं वो सब किसके अंदर आता है, पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है. इसी है जो विद्यालय के अंदर और बाहर, चाहे वो घर में सीख रहे हैं चाहे वो बाहर सीख रहे हैं, कुछ यहाँ की नॉलेज कुछ वहाँ की नॉलेज, टोटल क्या हो गई हमारा, करिकुलम हो गया.
जो ऐसे कार्यक्रम भी होते हैं जिनका निर्माण इससे क्या होता है, उसका मेंटल डेवलपमेंट हो गया, फिजिकल हो गया, संवेगात्मक हो गया, सामाजिक हो गया, आध्यात्मिक हो गया और नैतिक उसका उसके विकास में सहायता प्रदान करता है, इन्हें सम्मिलित किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पाठ्यक्रम कहते हैं। ये क्रो एंड क्रो और जो है माध्यमिक शिक्षा भी इसी तरह बोलते हैं, कहते हैं बालकों के सभी पक्षों का विकास यानी कि सभी पक्षों का संतुलित विकास क्या कहलाता है, पाठ्यक्रम कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पाठ्यक्रम कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम क्या है, ऑलराउंड डेवलपमेंट है, ऑलराउंड डेवलपमेंट फॉर फिजिकल कंसेप्ट में कह सकती है, मेंटल, मॉरल, स्पिरिचुअल, एनी काइंड ऑफ एस्पेक्ट, एनी एस्पेक्ट हम लोग ले सकते हैं, एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड ऑलराउंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ही क्या किया जाता है, करिकुलम का फ्रेम किया जाता है। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं कि जो हमारा सिलेबस और करिकुलम होता हुआ है, हाँ जी क्या होता है, करिकुलम हो गया, करिकुलम पहले एक बार सॉल्व भी कर चुके हैं, बाकी भी करिकुलम क्या है, किसकी बात करता है, करिकुलम जो है वो मैंने आपको पहले बताया था कि जो सिलेबस है वो करिकुलम का एक पार्ट है, करिकुलम का एक पार्ट है। ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको नैरो कंसेप्ट कहा जाता है और इसको ब्रॉडर कंसेप्ट कहा जाता है, यानी कि ये होगा संपूर्ण भाग और ये हो गया इसका संकुचित पार्ट। करिकुलम के अंदर ही हम सिलेबस को काउंट करते हैं। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं, यानी कि कोर्स ऑफ स्टडी, एक क्षेत्र इसमें तो हमारा कोर्स ऑफ स्टडी आ गया। ठीक है, पाठ्यक्रम का जो क्षेत्र है वो विकसित है जबकि सिलेबस का जो क्षेत्र है वो छोटा है। पाठ्यक्रम बालक के सभी जीवनों को स्पर्श, सभी पहलुओं को स्पर्श करता है जबकि इसके अंदर, देखिए इसके अंदर हम लोग सब्जेक्ट की बात करेंगे, कौन सा होगा सब्जेक्ट, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया और सब्जेक्ट हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो क्या है बालक की और टोटल नॉलेज बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो है बुकिश नॉलेज की बात की जाती है, बुक से रिलेटेड थ्योरेटिकल नॉलेज की बात की जाएगी, इसके अंदर जो है आपकी टोटल डेवलपमेंट की बात होगी। बुकिश हो गया प्लस जो आप अंदर यहाँ से ले रहे हैं, स्कूल के अंदर से ले रहे हैं और जो आप स्कूल के बाहर से भी नॉलेज ले रहे हैं, इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, इसका जो एरिया है वो ब्रॉडर है। ठीक है, देन इसके अधिक इसके अंदर क्या करते हैं, बालक का केवल मानसिक विकास होता है जबकि पाठ्यक्रम जो है बालक के इसमें क्या हो गया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गई, टोटल डेवलपमेंट हो गई और इसके अंदर जब हम किश नॉलेज देते हैं तो केवल मेंटल डेवलपमेंट की बात करते हैं जबकि इसके अंदर हम लोग सभी एस्पेक्ट्स को लेते हैं। सभी एस्पेक्ट्स में क्या क्या आएगा आपका, देखिए फिजिकल हो गया, सोशल हो गया, ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट हो गई, उसके बाद इंटेलेक्चुअल हो गई, उसके बाद इमोशनल हो गई, ठीक है, देन उसके बाद स्पिरिचुअल हो गई और कैरेक्टर हो गई। तो जब इतनी सारी डेवलपमेंट इसमें होगी हमारी वो करिकुलम के दौरान बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट होगी, और जब हम सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस के दौरान बच्चे की केवल मेंटल डेवलपमेंट ही होती है। तो यानी कि सिलेबस क्या है, नैरो कंसेप्ट है और ये क्या है, हमारे ब्रॉडर कंसेप्ट आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर जो सिलेबस, सिलेबस के अंदर रोटिंग की बात की जाती है, यानी कि क्या करते हैं, रोट मटेरियल बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि रटने पर बल दिया जाता है और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बच्चों को प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल और यानी कि एक्टिविटी बेस्ड नॉलेज उनको दी जाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज उनको दी जाती है, हर टाइप की नॉलेज दी जाती है जिससे कि बच्चों की पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप हो जाए। यानी कि पाठ्यक्रम को समझने पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पाठ्यक्रम जो है बालकों के बिहेवियर, अब ये क्या कर रहा है, जब ओरल डेवलपमेंट हो रही है तो क्या कर रहा है, बच्चों के बिहेवियर को चेंज कर रहा है। और इधर क्या हो रहा है, इधर तो बिहेवियर चेंज हो रहा है लेकिन इधर क्या होगा, पाठ्यक्रम जो है सिर्फ समझने पर, किस पर बल दे रहा है, अंडरस्टैंडिंग पर, रोड मैनिंग पर बल दे रहा है
और एक इस पर बल देता है, ये बच्चों के बिहेवियर को चेंज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पाठ्यक्रम जो है व्यवहार में परिवर्तन लाता है जबकि सिलेबस में ऐसा कम होता है। तो इस प्रकार हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो सिलेबस है वो इसका एक पार्ट है। ठीक है, ये आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, जिसमें क्या होता है कि करिकुलम और सिलेबस की क्या क्या इम्पॉर्टेंस है, दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये था हमारी आज की कॉन्सेप्ट जिसमें हम लोगों ने बात की करिकुलम के बारे में और सिलेबस के बारे में। आगे हम लोग बात करते हैं कि इसकी इम्पॉर्टेंस, हाँ जी, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, यानी कि इसकी नीड क्या है, उसकी क्या आवश्यकता है। तो पाठ्यक्रम क्या है, देखिए एजुकेशन जो प्रोसेस है उसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के ऊपर डिसाइड होता है कि हमारे क्या एम्स रहेंगे या हमारे कौन से एम्स इस दौरान हम अचीव कर पाएंगे, कौन से ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमें मिल पाएंगे। तो ये क्या है कि इसको जो है इससे ही हमारे शिक्षा के सारे उद्देश्य पूरे होंगे, यानी कि जो शिक्षा प्रक्रिया है वो पाठ्यक्रम के चारों तरफ घूमती है। तो पाठ्यक्रम क्या हुआ, एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम शिक्षा के सभी निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड है, इसी के ऊपर डिसाइड होता है कि कौन कौन सी टीचिंग मेथड हम लोग अडॉप्ट करेंगे या कौन कौन सी विधियाँ रहेंगी जिसके द्वारा हम बच्चों को पढ़ाएंगे कि ताकि हम अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर पाएँ। उसके बाद है शिक्षण सामग्री का निर्धारण, अब हमारा मटेरियल कौन सा होगा, हमारी सामग्री कौन सी होगी, ये भी हमारे किस पर डिपेंड करेगा, हमारे पाठ्यक्रम के ऊपर, उसके अंदर हम किस किस को इंक्लूड करेंगे, कौन कौन सा मटेरियल हम रखेंगे। तो हमारा पाठ्यक्रम डिसाइड करता है कि हम कौन सा मटेरियल रखेंगे, कौन सा हमारे लिए बेनिफिटेड है। ठीक है, नेक्स्ट पाठ्यक्रम शिक्षक की विभिन्न प्रवृत्तियों को यह क्या है, क्या बताता है कि लेटेस्ट टेक्निक्स क्या है, लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या है और इसको हम किस तरह से अचीव करेंगे, और हमारी फिलॉसफी को दर्शाता है, यानी कि लाइफ की फिलॉसफी क्या है, कौन डिसाइड करता है, करिकुलम डिसाइड करता है। यूँ कह लीजिए कि जो मॉडर्न टाइम के अंदर हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, हमें कौन सा करिकुलम पढ़ना है, क्या हमें जानना है, किसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, ये सब हमारा पाठ्यक्रम डिसाइड करता है। ठीक है, एट द एंड हम क्या कह सकते हैं, पाठ्यक्रम क्या है, वह धुरी है जिसके गिर्द समस्त शिक्षा की प्रक्रिया घूमती है और इसी के आधार पर हम जो है विभिन्न जो है अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अच्छे से अचीव कर पाते हैं। ठीक है जी, ये थी हमारी नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ करिकुलम, कि जब भी हमने करिकुलम को पढ़ना है, करिकुलम क्या होता है, ठीक है, जिसके चारों ओर एजुकेशन प्रोसेस जो है घूमता है उसे हम करिकुलम बोलते हैं, और सिलेबस जो क्या है वो करिकुलम का एक पार्ट है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ संबंधित है, एक सिक्के के दो पहलू भी हम इनको बोल सकते हैं। और जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो सारा हमारा करिकुलम के ऊपर बेस्ड होता है, उसके थ्रू ही हम अपने एजुकेशन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं। दिस इज़ द टोटल पार्ट ऑफ व्हाट इज़ करिकुलम एंड नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ करिकुलम एंड व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन करिकुलम।